Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy, Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. Rabi gang को ज्वाइन कर लो. हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम Rabi and Azam Vlogs. नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा. प्लीज गो एंड सब्सक्राइब. चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ. तो गाइस, आज हम वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, वो उसका टाइटल मैं बताता हूँ. पवाई मुंबई सिटी टूर, इट्स यूरोप ऑफ इंडिया. वाओ, मॉडर्न इंडिया. तो देखते हैं ये पवाई क्या है. मुंबई में कोई जगह का नाम है, वो क्या एरिया है, कैसा है. तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं. वेलकम बैक टू इन गाइस, एक और नए स्मार्ट शहर के साथ में मैं आ चुका हूँ फिर से. अभी जब मैं सामने देख रही, ये यूरोप का व्यू नहीं है, जी हाँ, ये इंडिया का एक शहर है जो कि मुंबई के अंदर आया हुआ पवाई थाने. मुंबई को बोलते कॉन्क्रीट ऑफ जंगल, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग है. उसके बीच में इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट के साथ में ऐसा एक शहर भी है जिसका पूरा टूर करवाने जा रहा हूँ. इस सिटी का नाम है पवाई सिटी. आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है ये शहर. वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. वीडियो को शेयर जरूर करना इस बार. और गाइस, ये सब कुछ बनाया गया है हीरा नंदानी जी द्वारा. और गाइस, एक शहर को शहर कैसे बनाते हैं कि एक अच्छी बिल्डिंग भी हो, वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, ग्रीन पार्क्स, बहुत सारे पेड़ पौधे, और इसको बिल्कुल एक यूरोपियन स्टाइल की तरह एक मतलब शहर बनाया गया है. स्काईलाइन का व्यू भी है यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं. जैसे आप ये वाला व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे आप किसी यूरोपियन सिटी के अंदर बैठे हो. ये हमारा इंडिया का वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो है. तो कुछ लोग बोलेंगे भाई ऑटो है, लेकिन ऑटो काफ़ी यानी कि गाइस सस्ते पड़ते हैं ना, इसके लिए ऑटो है. और मैं पैदल वॉक पे जा रहा था गाइस, सच्ची में बताऊँ ना, बिल्कुल एकदम यूरोपियन वाइब आती है यहाँ पर आकर गाइस. सीरियसली, जैसे आप देखिए पेड़ पौधे और वॉकिंग ट्रैक भी बहुत अच्छे बना रखे, बहुत ब्यूटीफुल बना रखे. अभी आपको आगे और दिखाता हूँ मैं, इसको शहर को बिल्कुल रेडी किया गया है. और ये जो सिटी मुंबई के बिल्कुल बीच में आ रखी है, और इतनी खूबसूरत गाइस ये है शहर के, ट्रस्ट में कि इंडिया को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कितने सारे सुपर हीरोज है जो ऐसे जैसे शहर बनाते जा रहे हैं. और एक का नाम तो है हीरा नंदानी जी, उनको सबसे पहला मेरा सल्यूट है एंड थैंक टू यू कि इतना खूबसूरत आपने शहर बनाया इंडिया के लिए. और गाइस, ये जो मतलब पूरा जो यानी शहर है ना, ये प्रॉपर वेल मैनेज के साथ में, कितनी भी बारिश हो तो यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं होता. और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगा कि मैं इंडिया के यूरोप में ही आ चुका हूँ एकदम. जैसे आप देखिए आपके सामने व्यू है गाइस, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी मुंबई के बीचों बीच. और यहाँ पर बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर का घर भी यहाँ पर ही है गाइस. आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी भी आप लोगों ने देखी होंगी. तो गाइस, जो जैसे यानी छत पे मतलब वो लोग जैसे कोई आता है सीन, तो बिल्कुल टू कॉपी व्यू आ रहा होगा. और मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा ही लगा. और अगर अभी आप मेरे सामने व्यू देख रहे हो, यहाँ पे बिल्डिंगें बनती जा रही है, यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी है, और नई बिल्डिंगों का काम और ज़्यादा चल रहा है. और बिल्डिंगों का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो गाइस पेड़ पौधों के ऊपर. गाइस, ये वाला व्यू चेक करिए, एकदम लोग पैदल चल रहे हैं, उस तरफ गाड़ियाँ चल रही है, और एक स्काईलाइन का व्यू भी आ रहा है. आल बिल्कुल लग रहा है ना एकदम यूरोपियन स्टाइल. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ शॉपिंग मार्केट्स और कुछ मतलब मिनी मॉल टाइप में. सो गाइस देखिए, ऐसा है बिल्कुल एकदम यूरोपियन जैसा ही आपको यहाँ पर भी आएगा फील होने. यहाँ पर भी बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया के लोग घूम रहे थे, लाइक जापनीज, और बहुत सारे फॉरेनर लोग भी यहाँ पर विजिट कर रहे थे इसी प्लेस पे. और ये प्लेस पे शॉपिंग प्लेस मतलब खाने पीने की चीज़ों से लगा हर चीज़ यहाँ पर थी, बुक्स वगैरह सब कुछ थी यहाँ पर. और गाइस, नेक्स्ट वीडियो अब मैं लेके आऊँगा या तो पुणे के ऊपर, या फिर मैं जाऊँगा हैदराबाद के ऊपर, क्योंकि गाइस इस दो शहर की बहुत ज़्यादा आ रही रिक्वेस्ट, और इनका वीडियो मैं प्रॉपर ढंग से लेकर आऊँगा आप सभी के लिए. और ये है वहाँ का सबसे बड़ा मॉल, उसके बाहर का व्यू, और आप बाहर देख सकते हैं पब्लिक के चलने के लिए कितना मस्त बना रखा. और उस तरफ आप जाके बैठ भी सकते हो, और साइड का स्काईलाइन व्यू भी बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर. और गाइस, एक मुझे क्या बात लगी पता है, ये जगह मुंबई के अंदर ही है. मतलब मुझे पहली बात तो मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. तो यहाँ पे आके मुझे लगा कि यूरोप जैसे मतलब स्टाइल के शहर भी बना रखे बहुत ज़्यादा. तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा मतलब मुझे एक वो भी लगा, शौक भी लगा कि मुंबई के अंदर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है.
और गैस आपको लगता है कि मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ या कुछ भी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम पे और भी अच्छा काम करूँगा। और कुछ भी आपको अगर लगता हो तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर देना कि मैं कौन सा मतलब टूर बनाऊँ और क्या स्टाइल, आपकी जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से। लेकिन आप अपना ध्यान रखना, वीडियो बस इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, भी वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। जब तक अपना ध्यान रखना, बाय। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो ऑफ हवाई मुंबई। बिल्कुल ही यूरोपियन वाइब थी, बिल्कुल ही एलए वाली वाइब आई है, बिकॉज वो उन्होंने कुछ एरिया कवर किया है हवाई का, जो एरिया कोई होगा थाने सिटी में मुंबई में, तो वो बहुत खूबसूरत एरिया लगा है। और यहाँ ताब ये थे जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के घर भी रही हैं जो इंडिया के हैं, और बहुत ही बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मुझे बहुत खूबसूरत लगा है कि बिल्कुल ही वाइब भी बिल्कुल ना, एक तो लशी सी वाइब तो थी, लेकिन बिल्डिंग्स बाई हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, ऊपर से एक हेरिटेज वाली लुक भी आ रही थी, बिल्कुल लगा था पुरानी किस्म की ना बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। और रोड्स बिल्कुल वैसी हैं और वैसे ही लोगों का जो होता नहीं है ट्रैफिक लग रही थी, जैसे यूरोपियन कोई कंट्री होता है, रोड्स बहुत बड़ी थी, रोड्स छोटी थी, उस बिल्कुल वही यूरोप वाली वाइब भी आ रही थी और वैसे ही बहुत खूबसूरत। और एंड पर जो दिखाया उन्होंने, क्या ग्रीनरी थी और कोई लेक सी बनी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत, आई लव द व्यू, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ना इको फ्रेंडली एनवायरमेंट भी लग रहा था, तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये वीडियो। बिल्कुल गौरव वाली वाइब थी, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, एरिया उन्होंने उस तरह से, क्योंकि वहां पे भी इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं बिल्कुल बड़ी बड़ी सी और बिल्कुल स्किन बेज से कलर की, उस तरह का वो पूरा चारों तरफ उसी तरह की बिल्डिंग्स थी, हाई राइज और वो रोड, एंड देन वो बिल्कुल इफेक्ट वाकई में आ रहा था उस वाले एरिया का, यूरोप वाला इफेक्ट आ रहा था। तो अच्छी जगह है, मजा आया देखकर, मुंबई का पार्ट है तो मुंबई तो अब तो आगे से आगे डेवलप होता चला जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नए नए एरियाज बनते चले जा रहे हैं और पता नहीं अब कितना एक्सपैंड कर चुका है मुंबई। सो मतलब हर वहाँ के लोगों के लिए भी एक बड़ी न्यू चीज़ होती है एक्सप्लोर करना, जाकर देखना। सो इट वॉज गुड, बड़ा अच्छा लगा देख के वीडियो। अगर आप लोगों ने भी वीडियो एंजॉय की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में।